Hi, hello, what's up, people? Sorry. What's up, people? मैं औरत हूँ ना, मुझे एक तो झुक के बात करनी चाहिए और ऊपर से धीरे बात करनी चाहिए. मेरी मम्मी ने सिखाया यार. पर सर, आप क्या देख रहे हैं? My legs. क्यों देख रहे हैं सर? क्यों? I really want to understand. आपके पास भी वही टांगे, मेरे पास भी वही टांगे. मेरी थोड़ी अच्छी हैं, पर उन पे ये तो नहीं लिखा ना सर, ATM 24 hours open. Correct? भाई, I think it's better to make these things clear, especially where I come from. I'm from Delhi. Yeah, the capital of the country. You can also call it the rape capital of the country. परसों की बात है, I think. मैं ग्रेटर कैलाश मार्केट में थी और एक भिखारी ने आके मुझसे बोला कि बहन, भगवान के नाम पे 20 रुपये दे दे. मैंने 500 दे दिए. बोलो क्यों? पूछो यार, दिल्ली में बहन बोलता कौन है आजकल? इंडिया में औरतें दो कैटेगरीज में स्लॉटेड है भैया. वन इज होल एंड द अदर वन इज स्लट. ऑब्वियसली मैन, she refused to sleep with me, man. What a whore, man. What a whore. And I agree, whore hi hogi agar mana kar rahi hai to. Ya fir, bro, you know who she slept with? Me. What a slut, man. What a slut. Our society never fails to astound me. Never. Kuch adbhut hi hai hamara logic. Ajeeb sa. Ek example dete hain. West Bengal mein एक लड़की गुंजन 20 साल की हॉस्पिटल में जूझ रही है अपनी जान के लिए. क्यों? क्या थी उसकी गलती? व्हाट वाज हर क्राइम? शी वोर जीन्स टू कॉलेज. कोई करता है ऐसे? कोई करता है? मत्ती मारी गई थी गुंजन की. अरे उससे कुछ सीखना चाहिए यार. मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले फ्रॉम ऑल दीज वुमेन द मैन इन आर कंट्री आइडलाइज. कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा. साड़ी में बाहर निकलती हैं ये, साड़ी में पल्लू डाल के. करेक्ट. और आइटम नंबर जो आप सबको इतने पसंद है, फुल स्लीव ब्लाउज की डिमांड है भैया हर हीरोइन की. तो गुंजन को कोई वो थी, जीन्स पहन के चली गई. हद होती है हद. वी आर द लैंड ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज. और किसी भी समाज की, किसी भी सोसाइटी का आईना क्या होता है? उसकी सभ्यता का, उसका म्यूजिक, उसका आर्ट. और हमारे गाने ले लीजिए. अर्ज किया है, लैला तेरी ले लेगी. लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले. लो, ऐसी गारंटी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी नहीं लेते. अगर आप पूछेंगे कि इसमें गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है. लैला छुट्टी लेने की बात करती है. राइट. ओहो, कैसे भूल गई मैं, बीड़ी भी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे. गुड बॉय, हां पेशेंट बॉय, वेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है. खाली बीड़ी को लड़ में चाय भी तो पिया रे. सभ्य लड़का है, दारू नहीं पी रहा है वो. हैं, लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. बस उसके घर के नीचे बैठा हुआ चाय पी रहा है. एबीसीडी पढ़ ली बहुत. पढ़ा लिखा लड़का है, लड़की को अप्रिशिएट करना चाहिए. अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई. प्लीज, एबीसीडी पढ़ ली बहुत. ठंडी यहाँ बर ली बहुत. अच्छी बात कर ली बहुत. अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात. गंदी 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 बात. गंदी बात. यार मुझे कोई इस लड़के से मिलवा दो यार. कितना सीधा सच्चा लड़का है. सीधे सीधे बोल रहा है, तूने अच्छे से नहीं माना, अब मैं तेरा रेप करूंगा. और हमने क्या किया एज अ कंट्री? हमने इसको बना दिया अपना पार्टी एंथम. तालियां. कम ऑन. आई थिंक हम पैदा ही दोगले गए. हिपोक्रेसी खून में हमारे. कैसा आदमी है औरत पे हाथ उठाता है? कैसा आदमी है औरत पे मार खाता है? ना मर्द कहीं का. लड़कों के लिए हम कितने इंसल्टिंग नाम यूज करते हैं. वेरी बैड, वेरी बैड. डूड, ब्रो, छोकरा, लौंडा. हद है, हद है. मतलब लड़कों को मतलब बिल्कुल वो कर देना चाहिए, रिवोल्ट. और लड़कियों को देखो कितनी इज्जत से बुलाते हैं. टोटा, पटाका, शमिया, फुलझड़ी. ओहो,
इज्जत की भैया मैं आदत नहीं है। मम्मी आप चुप करो, आपको कुछ नहीं पता है, इरिटेट करते हो मुझे हर समय। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्पोकन टू योर फादर्स लाइक दिस और डू सो ऑन अ रेगुलर बेसिस और थिंक इट्स ओके टू डू सो। आई थॉट सो यार, ये कंट्री मेरी समझ में तो नहीं आती। सार्वजनिक मूतना अलाउड है, चूमना अलाउड नहीं है, वर्जिन बीवी चाहिए, खुद बैंकॉक के खिलाड़ी हैं, हाउसवाइफ सुबह से लेके रात तक काम कर करके कर करके कर करके घिस जाए, मर क्यों ना जाए, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। छह लड़कियों के बीच में एक लड़का स्टड है और छह लड़कों के बीच में एक लड़की स्लट है। आई जस्ट थिंक दैट ऑल दीज मेन विद देयर बिग पेनिसेस who want to go out there and protect us and make things safe for us and jo hum pe nazar rakhe hue hain, nazar mat rakho, nazar hata do, kafi problem to usi se solve ho jayegi. This republic day I just have one advice, rehne do beta, tumse na ho payega.